अभी हम उसी बाइनोमियल को कंटिन्यू रखें जो मोस्ट सुटेबल है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अब यही नाम चलेगा, कैरोलस लिनियस, और अंडरलाइन भी। तभी तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये नहीं कि इनकी बेटी का नाम टैक्सोनॉमी था, इन्होंने ही इसके बारे में सब कुछ बताया। इन्हीं को फादर ऑफ नॉमनक्लेचर भी कहते हैं। पहले नाम कौन रख पा रहा था? कोई नहीं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मिस्टर लिनियस हैं, इन्होंने दो किताबें लिखी। लिनियस हैड ऑल्सो ऑथर्ड टू बुक्स, दो किताबें लिखी। नीट के हिसाब से बड़ी जरूरी बात है, और उन किताबों के नाम भी बता रहा हूं। पहली बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। देखो हर चीज बंदा दो ही में खत्म कर रहा है। और दूसरी का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। कितना प्यार है इसे अपनी डिस्कवरी इन्वेंशन वगैरह से, प्लांटेरम। पहली वाली किताब में एनिमल्स की स्पीसीज बताई गई है, डिस्क्राइब्ड 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ये ध्यान रखना, इतनी सारी तो इसी ने बता दी थी, ये भाई साहब बहुत महान है। और दूसरी वाली में डिस्क्राइब्ड 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। यहां प्लांट की जानकारी दी थी अलग अलग किताबों में, आप इसकी किताब पढ़ लीजिए। उसी टाइम पर एक थियोफ्रेस्टस हुआ करते थे, मैं अलग से उनका नाम लिख दे रहा हूं। उसने बॉटनी के पापा कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, स्टार पॉइंट में लिख रहा हूं, बुक में नहीं मिलेगा। थियो फ्रेस्टस, PHRASTUS। मैंने यहां पे इसलिए मुझे याद आ गया क्योंकि मैं इनकी बुक मुझे याद आ गई, रोट द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये बुक है। ये हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है, इसने बताया 480 प्लांट्स, बस इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब्ड 480 प्लांट्स। ये मैं अलग से बंद कर दे रहा हूं क्योंकि ये जानकारी सिलेबस से आउट है।
अब बच्चों चलो हमने नाम तो दिए, इस नाम को लिखने का अधिकार कौन देगा? बात ये आती है, हर नाम ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता, ये भी थोड़ा सा हटके चलते हैं। तो ये जो रूल्स हैं फॉर असाइनिंग नेम्स गिवेन बाय, कौन देता है ये नाम? ये बेटे जो देते हैं वो दो मेन संस्थाएं हैं। पहली है ICBN, ICBN, ये इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और जो दूसरी बुक है उसका नाम है ICZN, ZN। आप इसका नाम समझ गए होंगे, बॉटनिकल की जगह जूलॉजिकल आ जाएगा, बॉटनी मतलब प्लांट, जूलॉजी मतलब एनिमल्स, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नाम लिखने के तरीके, जब ये बन रहे थे ये दोनों संस्थाएं, एक कोड जो बन रहे थे, तो इनका टाइमिंग अलग अलग था, 3 साल का अंतर था। ICBN जो बना वो 1961 की बात है और ये 1964 की बात है, ठीक है। अब यहीं तक कहानी सीमित नहीं रह गई, अब तो और भी कई सारी चीजें बना दी गई जब इनकी देखा देखी आपकी बुक में बिल्कुल नहीं है, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। आईसी बैक एन, आई सी बैक, BAC, BN नहीं लिखा, बैक एन, बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बी से बॉट नहीं हो रहा था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और एक और लेटेस्ट नाम दे दे रहा हूं, ICNCP, ICNCP, जो कल्टीवेटेड प्लांट है उनके लिए, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमनक्लेचर, ICN का मतलब तो ये हो गया, नॉमनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। तो ये जानकारी आती। अब अगला हिस्सा, टैक्सोनॉमी की बात करूंगा, अगला हेडिंग है हमारा टैक्सोनॉमी।
बच्चों टैक्सा का मतलब होता है अरेंजमेंट, टैक्सस मतलब अरेंजमेंट, टैक्सस इक्वल टू आप ऐसे लिखिए टैक्सस प्लस नोमोज, तो हो गया टैक्सोनोमी, और टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट। और नोमोज का मतलब होता है लॉज, अरेंजमेंट करने के नियम। यानी इसका बिल्कुल इक्वल क्या मतलब होगा, लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉफुल, ये इसकी डेफिनेशन निकल के आई टैक्सोनॉमी की, एक लाइन में खत्म हो गई। और हम इसे क्या कह सकते हैं, ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी का मतलब। अब हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है तो हमें कुछ खास बातें पता होनी चाहिए, वो जिस चीज पे ये बेस है क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी बेस है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर इस पे बेस है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, सेल कैसी है उसके आधार पे अलग अलग तरह का एनिमल बनेगा, प्लांट बनेगा। सेल के अंदर सेल वॉल है ऊपर तो वो प्लांट है, सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल सेल है। दूसरा उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे है, उनका डेवलपमेंट होने का तरीका क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और उनके बारे में हमारे पास इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, इकोलॉजी मतलब सराउंडिंग यानी कैसी जगह वो रहते हैं, सराउंडिंग को इकोलॉजी कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो उसके बारे में भी ये जानकारी। बात समझ में आ रही है इतनी? अब आगे का जिक्र मैं करता हूं। अभी आपने पढ़ा टैक्सोनॉमी, एक चीज होती है टैक्सोनॉमी, दूसरी होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जो नया ज्ञान आया वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का था, ठीक है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक कहते हैं, तो मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूं सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब बताया मैंने, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भी मॉडर्न हो गई। हाँ जी बिल्कुल हो गई टैक्सोनॉमी मॉडर्न, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ अलग पढ़ा जाता है। सिस्टमैटिक्स में टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये गौर किया जाता है सिस्टमैटिक में, यानी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स
बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी, उनमें इवोल्यूशन कैसे हुआ है उस रिलेशनशिप को भी ऐड किया गया है कि वो कौन किससे बना है, इवोल्यूशनरी का अंतर है। अगर यही पुरानी टैक्सोनॉमी होती तो वो क्या होती, वो होती एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? तो मैं ये डिफरेंस अगर लिखना चाहूं कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप इसकी जानकारी बड़े आसानी से मुझे दे सकते। ये आया डिफरेंस आपके सामने। एक डिफरेंस तो आपको बहुत ढंग से पता ही है, मैं कौन से 25 बताने वाला हूं। हां जी, यहां मैं टैक्सोनॉमी लिख रहा हूं और यहां मैं सिस्टमैटिक्स, दोनों में डिफरेंस पता लगाने निकले हैं। तो इट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कॉमा नोमेनक्लेचर, पहचानो फिर नाम दो, कल बताई थी ये वाली बात है, एंड फिर क्लासिफिकेशन कर दो, ये इस पर डिपेंड है, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये भी, लेकिन इसमें डेस्क्रिप्शन और ज्यादा हो जाएगा अगर इसका कंपैरिजन हम करें तो आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर उसको डेस्क्राइब भी करो, डेस्क्रिप्शन, तब क्लासिफाई करो, क्लासिफिकेशन। एक और पॉइंट है जो आप बहुत ढंग से जानते हैं, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी takes into account आप based on भी कह सकते हैं। ये अगर tough सा शब्द लग रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बदल दूंगा, based on existing relationship, जो इस समय क्लियर दिखाई दे रहा है रिलेशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उस पर डिपेंड करता है, अमंग द ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये तो एग्जिस्टिंग पर है, और दूसरा वाला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, ये किनसे बने हैं, वो तो मर गए जिनसे बने थे, लेकिन उनका भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये वाली बात कहती है ये सिस्टमैटिक रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाली बात यहां खत्म होती है।
ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। डिफरेंस पहला लेसन, लिविंग वर्ल्ड, बहुत सारे साइंटिस्ट समय समय पर बहुत सारी हजारों बात बता गए। कुछ साइंटिस्ट की जिक्र मैं और करना चाहता हूं, कुछ ब्रांचेस के, कुछ साइंस के पिताजियों के नाम बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको फादर ऑफ जूलॉजी का नाम बताऊंगा। ये आ जाते एरिस्टोटल। ये 384 से 322 बीसी तक जिंदा रहे। फादर ऑफ बॉटनी, बताओ कोई भी क्या नाम है। बॉटनी मतलब प्लांट्स। हां जी, किसने बताया ये? थियो फ्रेस्टस। शाबाश बेटे, अंडरलाइन करूंगा नाम। और ये 370 से 285 बीसी, बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का मतलब कुछ और समझ के बैठ गए तो तोड़ दूंगा हाथ पर, ठीक है। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले फादर ऑफ मेडिसिन ले आ रहा हूं आपके साथ। फादर ऑफ मेडिसिन, दवाओं की भी तो जानकारी उनके भी तो पिताजी आ जाएं। हिप्पोक्रेट्स, HIPPOCRATES। बेटे मैं आपको लिखवा रहा भले ही हूं ये वाली बात, इस नाम से मैं सहमत नहीं हूं। अब कहोगे क्यों लिखवा दिया फिर? क्योंकि मेरे हिसाब से तो भारत में इसकी खोज हुई थी दवाओं की, और वो सुश्रुतु ने की थी हजारों साल पहले। पतंजलि भी चला रहे हैं इन सब चीजों की नामों पे। हमारा आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, लेकिन भैया मरता क्या ना करता, जो हम पढ़ेंगे हम उसी की जानकारी देंगे, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग जानकारी दे रहे हैं। हम तो अंग्रेजी दौड़ में पीछे भाग रहे हैं ना, जो वो कहेंगे वही मानेंगे। मान लो, मैं कब मना कर रहा हूं। अच्छा एक और लीजिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये अभी अभी आपके सामने मैं पूरी कहानी सुना के चुका हूं, ठीक है, और टाइप भी बता दी टैक्सोनॉमी की। नीति लीनियस अभी बताया था, लीनियस, ये नाम अंडरलाइन, सबके डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बार किसने क्लासिफिकेशन दिया उसके बारे में और लिख दूं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। इंट्रोड्यूस द फर्स्ट, ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये जिन्होंने दिया था उनका नाम है प्लिनी, PLINY। प्लिनी एक नहीं दो थे, ये पुराने वाले हैं, तो प्लिनी द एल्डर बहुत ही ज्यादा पुराने तो नहीं है, बीसी के तो नहीं है, आफ्टर डेथ के हैं ये। 28 से 79 आफ्टर डेथ, यानी एनो डोमिनी। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले जो घटनाएं घटी उनको बीसी में काउंट करते। और उनके बाद जो घटनाएं घटी उनको एडी में
काउंट करते हैं। अब ये मत कहना कि उनके सामने जो घटी उनमें काय में काय काउंट करोगे, मुझे इतनी वाली बातें नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज नई जानकारी देने जा रहा हूं, टैक्सा। टैक्सा क्या होता है, आज का जरूरी सा कंसेप्ट। देखो बेटा, प्लूरल शब्द तो टैक्सोन है, वो प्लूरल है टैक्सा और सिंगुलर है टैक्सोन। तो मैं जानकारी आपको टैक्सोन की दूंगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को टैक्सोन कहते हैं और ये क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला एनिमल्स, तो एनिमल्स भी तो किसी का ग्रुप है कि नहीं है, तो वो एक टैक्सोन हो गया। मैमल्स, वो एक टैक्सोन हो गया। डॉग्स, कैट्स, ये टैक्सोन हो गए। यस और नो? और इन सबको इकट्ठा मिला दें तो प्लूरल बन गया, टैक्सा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज टैक्सोन, जिसको प्लूरल जिसका होता है टैक्सा। आप इसे प्लीज टैक्सा मत पढ़ लेना। टैक्सोन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहली बात। इट इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरी बात। मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो प्लांट्स, प्लांट्स की बजाय आप और देखिए कैट्स, बहुत सारी बिल्लियों का समूह, ये टैक्सोन है। ठीक है, एनिमल्स ये भी पूरा का पूरा ग्रुप है। एनिमल लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, एनिमल्स लिखूंगा अलग अलग समूह हो गया, टैक्सोन है। कैट लिखूंगा तो वो टैक्सा नहीं है, कैट्स लिखूंगा तो है। बात समझ में आ रहा है? मैमल तो टैक्सोन है, ऑल आर टैक्सा बट ऑफ डिफरेंट रैंक, डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के टैक्सा है। जैसा कि हम जानते हैं, इच यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सोन। द टर्म टैक्सोन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीबीएन इन 1956। मैं ये वाली बात आपकी जानकारी के लिए यहां लिख रहा हूं। द टर्म्स टैक्सोन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय आईसीबीएन। जूलॉजी वालों ने या प्लांट वालों ने, किसने बताया? प्लांट हाँ जी, ड्यूरिंग 1956 इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वालों ने। बाद में मेयर ने कहा 1964 में कि टैक्सोन एक ग्रुप है, एक रैंक है, दैट इज सफिशियंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी ऑफ बीइंग असाइंड ए डेफिनेट कैटेगरी, जिसे देख के हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेयर ने ये वाली बात कही। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो टैक्सोन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। कैट्स एंड डॉग्स मैं लिखूं
अगर मैं लिखूं कैट्स एंड डॉग्स तो ये टैक्सा नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है ये। अगर मैं लिखूं कैट्स एंड कैट्स तो ये सिमिलर है, ठीक है। तो टैक्सान जो सिमिलर होते हैं वो है।